हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कैडिया में। पिछले वीडियो में हमने अनोटेशन के बारे में एक जनरल इन्फॉर्मेशन जान ली कि अनोटेटिव ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, पहले स्टाइल से चेंज करके या फिर प्रॉपर्टी में चेंज करके। अब देखिए, इस वीडियो में जानेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसमें जानेंगे उसका फाइनली यूज कैसे करते हैं। उसमें तो एक एग्जाम्पल दिखाया था मैंने, इसमें पूरा यूज देखेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, अनोटेटिव स्केल का यूज होता है चेंज व्यूज, व्यू ड्राइंग का जो साइज है उसको छोटा बड़ा। ड्राइंग क्या होती है, ये जो हमारी दिख रही है ना, इसे ही ड्राइंग कहते हैं। लेकिन कीप अनोटेटिव ऑब्जेक्ट साइज सेम, जो अनोटेटिव ऑब्जेक्ट है उनका साइज सेम रखने की बात हो रही है। आपको पता है अनोटेटिव ऑब्जेक्ट तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है, पहला टेक्स्ट, दूसरा और डायमेंशन, तीसरा। तो तीन प्रकार के अनोटेटिव ऑब्जेक्ट होते हैं जिनकी साइज को हमें सेम रखना है और ड्राइंग की साइज को चेंज करना है। तो देखिए, हमारे पास आपको पता है कि अनोटेटिव ऑब्जेक्ट का रिजल्ट देखने के लिए हम अपने लेआउट में चलते हैं, ठीक है। लेआउट में ही पेपर होता है, पेपर में हम ऑब्जेक्ट का साइज देखते हैं। तो अब देखिए, यहाँ पे हम एक एग्जांपल आपको बना के बता रहे हैं। सपोज दैट जैसे आपके पास एक ये पेपर है ए फोर साइज का, ठीक है, ये ए फोर साइज का पेपर है, ठीक है, दो पेपर हैं आपके पास ए फोर साइज के, दोनों पेपर में आपको प्रिंट निकालना है और ये ड्राइंग है। तो आपने ड्राइंग में बनाई एक एक इंच की लाइन, ठीक है, तो एक इंच की लाइन बना ली। अगर इसमें आप एक इंच की लाइन को प्रिंट करेंगे और अगर स्केल रखेंगे 1:1, तो ये एक इंच की लाइन पेपर में एक इंच ही नजर आएगी अगर स्केल लेके नापेंगे तो, क्योंकि एक इंच जो पेपर में यूनिट है, जो ड्राइंग यूनिट है, इसको हम ड्राइंग यूनिट लिख देते हैं, ठीक है, ड्राइंग यूनिट है इज इक्वल टू पेपर यूनिट, ठीक है, पेपर यूनिट के बराबर है, क्योंकि 1:1 ड्राइंग यूनिट पेपर यूनिट। अगर हम कर दें आधा कर दें, ये भी हमारे पास ए फोर पेपर है, यहाँ पे हमने कर दिया 1:2। आप पता है 1/2 होता है, यानी आधा, पहले का आधा, यानी अगर 1/2 करके इस लाइन को प्रिंट करेंगे, देखिए ये लाइन एक इंच की बना दें, दोनों मैच कर रहे हैं आपस में, ठीक है, लेकिन अगर इसको यहाँ पे बना दें तो ये लाइन प्रिंट होगी आधी, ठीक है, इस लाइन की ये आधी प्रिंट होगी, क्योंकि हमने यहाँ पे इसकी स्केल कर दी है आधी। तो ये मतलब होता है स्केल का। अगर आप यहाँ पे स्केल कर दें 1/4, अगर 1/4 कर देंगे तो इसमें ये लाइन प्रिंट होगी, कितनी 1/4 प्रिंट होगी, ठीक है, यानी और छोटी प्रिंट हो जाएगी 1/4, यानी इस लाइन को अगर चार चार गुना करेंगे तो एक इंच के बराबर होगी। तो इसे ही स्केलिंग कहते हैं। और स्केल चेंज करने के लिए आपको यहाँ पे आना पड़ेगा, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपकी ये स्केल है, ठीक है, इसको चेंज करके आप स्केल को सेट करते हैं, ठीक है। तो अब चलिए देखते हैं कि हमें कौन सी स्केल यूज करनी पड़ेगी अपने ऑब्जेक्ट को अपने पेपर में सेट करने के लिए। तो चलते हैं लेआउट वन में, हमारे पास ये लेआउट वन है, यहाँ पे आते हैं। और लेआउट वन में आपको पता है सबसे पहले पेपर है, पेपर के अंदर एक डॉटेड लाइन है, डॉटेड लाइन का मतलब है इसके अंदर जो कुछ भी होगा वही प्रिंट होगा, इसके बाहर अगर कुछ निकल जाएगा तो प्रिंट नहीं होगा। इसके अंदर मिलता है एक बॉक्स, ठीक है, इसे कहते हैं व्यू पोर्ट। अब व्यू पोर्ट के अंदर डबल क्लिक करके हम मॉडल स्पेस में चलते हैं। अभी पेपर स्पेस में है तो अपने पेपर को जूम इन जूम आउट कर पा रहे हैं, डबल क्लिक किया मॉडल स्पेस में आए। मॉडल स्पेस में आने के बाद जैसे हमने बताया आपको, यहाँ पे सबसे पहले 1:1 करिए, क्या आपका ऑब्जेक्ट फिट हो जा रहा है। जैसे 1:1 किया, हमारा ऑब्जेक्ट फिट हो गया, अरे वाह, ये तो एकदम सही बना है, यानी पेपर के अंदर हमारा ऑब्जेक्ट आ जा रहा है। लेकिन ये तो चलिए छोटा ऑब्जेक्ट बनाया था इसलिए प्रिंट हो गया। अगर हमारे पास फ्लोर प्लान सैंपल है, ठीक है, ये देखिए बहुत बड़ी बिल्डिंग का एक डिज़ाइन है, तो क्या अगर इस बिल्डिंग के डिज़ाइन को एक पेपर में फिट करेंगे तो क्या फिट होगी। एक बिल्डिंग के डिज़ाइन को, ये कमरा इतना बड़ा है, इसमें पेपर इतना सा छोटा सा होगा, ठीक है, अगर कह सकते हैं कि एक दीवार भी प्रिंट करेंगे ना तो एक पेपर में प्रिंट नहीं होगी, क्योंकि दीवार तो होती है 9 इंच की, 9 इंच की होती है ना, और 9 इंच की दीवार पेपर होता है 8 इंच का, यानी इतना बड़ा आपके पास पेपर है और इतनी बड़ी दीवार है, तो क्या 1:1 करने पर क्या ये पूरा ऑब्जेक्ट इस पेपर में फिट हो जाएगा, नहीं फिट हो पाएगा, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, हमें बहुत छोटा करना पड़ेगा, हो सकता है हमें जो हमारा ऑब्जेक्ट की स्केल है और जो पेपर की स्पेस है स्केल है उसके अनुपात में 100 गुना छोटा करना पड़ेगा, हमारे बिल्डिंग के साइज को पेपर में फिट करने के लिए 100 गुना छोटा करना पड़े, या हो सकता है 500 गुना छोटा करना पड़े, या हो सकता है 1000 गुना छोटा करना पड़े। जितनी बड़ी हमारी बिल्डिंग रहेगी, पेपर तो साइज सेम है, तो जितनी बड़ी बिल्डिंग रहेगी उतना ज़्यादा ज़्यादा उसको छोटा करेंगे, उतने ज़्यादा गुना हम छोटा करेंगे ऑब्जेक्ट को। चलिए देखते हैं लेआउट वन में चलते हैं। जैसे ही लेआउट वन में चलते हैं, आप
देखिए यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं मॉडल स्पेस में, तो मॉडल स्पेस में आने के बाद आप जूम इन जूम आउट कर पा रहे हैं इसको। थोड़ी देर के लिए हम इसको हाइड करते हैं। अब यहाँ पे आप स्केल है आपके पास, ठीक है, स्केल में देखिए अगर हम 1:1 कर दें तो क्या होता है, 1:1 ये देखिए जैसा हमने बताया था आपकी, बस केवल ये एक्चुअली में 5 इंची दीवार है, तो 5 इंची दीवार तो फिट हो जा रही पेपर में, केवल इतनी ही दिख रही है। तो जैसा हमने आपको समझाया था कि 1:1 तो हो नहीं पा रहा, तो 1:100 करते हैं। चलिए 1:100 करते हैं। जब 1:100 किया तो हमारा आधा ये ऑब्जेक्ट फिट हो पाया, जबकि हमारे पास अभी और भी बड़ी ड्राइंग है। तो क्या करना पड़ेगा, हमें 1:500 करना पड़ेगा। तो क्या हमारे पास 1:500 मौजूद है? हमारे पास 1:500 मौजूद नहीं है। तो देखिए अगर जब भी कोई आपके पास यहाँ पे स्केल अवेलेबल ना हो तो यहाँ पे कस्टमाइज में, कस्टम में चलेंगे, ठीक है, यानी स्केल को कस्टम करेंगे। यहाँ पे एडिट या ऐड में जाएंगे सबसे पहले, ठीक है, नेम डालेंगे 1:500, ठीक है। और यहाँ पे जो पेपर की यूनिट 1 है वो तो सेम रहती है, ड्राइंग की यूनिट को हमें कितना छोटा करना है, 500 टाइम्स छोटा करना है। ओके कर दिया और ओके, ठीक है। ऐसा करने के बाद हम यहाँ पे आते हैं, देखते हैं हमारी कहाँ पे है 1500, ये है। जो 1500 किया, अरे वाह, ये तो एकदम सही हो गया, ठीक है। 1500 टाइम्स करने पे ये हमारे पेपर में ड्राइंग फिट हो रही है। तो आई होप आपको इस बात को आइडिया हो गया होगा कि क्या होता है पेपर, ठीक है। तो हमें यहाँ पे फिट करना पड़ा 1:500, और 500 थी नहीं तो हमने कस्टम में जाके उसको एडिट कर दिया और ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद हमने यहाँ से जाके इसकी स्केल चेंज कर ली। और स्केल कब चेंज होती है, जब हमारा ये जो बाउंड्री है ना, इसको जब सेलेक्ट किए रहेंगे व्यूपोर्ट को, तभी तो व्यूपोर्ट की स्केल चेंज कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमने इसकी स्केल चेंज कर दी। तो इतनी बातें आपने जान ली। अब देखिए अगर हमारे पास कई व्यूपोर्ट हैं, एक से ज़्यादा व्यूपोर्ट हैं, सपोज दैट हमने कई व्यूपोर्ट बना ली यहाँ पे, ठीक है, एक ये व्यूपोर्ट बना लिया और हम यहाँ पे लेआउट में चलने के बाद और भी व्यूपोर्ट बना लेते हैं। अगर देखिए आपको व्यूपोर्ट के बारे में और अच्छी जानकारी चाहिए तो दूसरा वीडियो देख लीजिए, वहाँ पे व्यूपोर्ट के बारे में हमने बताया है और अच्छे से समझाया है ताकि आपको व्यूपोर्ट समझ में आएगा, इसी के बाद ये आपको एनोटेटिव स्केल समझ में आएगी। हमने 3 व्यूपोर्ट बना लिए। पहले व्यूपोर्ट में हमने डबल क्लिक करके इसकी स्केल सेट कर दी 1:500 सेट कर दी, और सेट करने के बाद इसको ऐसे फिट कर लिया। अब देखिए हमने जैसे कि इस स्केल में ऑब्जेक्ट फिट नहीं हो पा रहा, तो ये जो हमारे पास बाहर बाउंड्री बनी हुई है ना, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। और इसको एडजस्ट कर लेते हैं अंदर जाके। ठीक है, इसको ठीक है, अब एडजस्ट हो गया, दिख रहा है। अब जो हमारे पास ये 2 व्यूपोर्ट हैं, इस पे आते हैं। इस व्यूपोर्ट में हमें किसी एक स्पेसिफिक कमरे को जूम करके दिखाना है, ठीक है। जैसे कि हमें सपोज दैट यहाँ पे सीढ़ियों को शो करना है, तो सीढ़ी को शो करने के लिए हमें थोड़ा सा जूम करने की ज़रूरत पड़ी, तो हमने यहाँ पे 1:100 कर दिया। क्या 1:100 करने पर सिलेक्ट हो पा रहा है? हाँ देखिए 1:100 करने पर दिख रहा है, तो ये भी सही हो गया। अब यहाँ पर आते हैं। अब यहाँ पर हमें कोई और भी ऑब्जेक्ट को और ज़्यादा जूम करने की ज़रूरत पड़ गई, सपोज दैट जैसे कि इस कमरे को जूम करना है, ठीक है। तो इस कमरे को देखते हैं 100 में ये सेट हो पा रहा है या उससे भी कम स्केल करनी पड़ेगी। 100 पे तो सेट हो जा रहा है, यानी हम 150 कर दें, यानी 1/50 जूम कर दें इसको, तो ये हमें दिखने लगेगा। तो इनकी एक बार हम स्केल लिख दे रहे हैं ताकि आपको सब समझ में आए। यानी यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है उसको 1/500 गुना छोटा किया गया है, यहाँ पे हमने 1/100 छोटा किया है, और यहाँ पे हमने 1/50 छोटा किया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सब कुछ समझ में आ रहा है। ये तो हुई ड्राइंग को सेट करना, हमने पहला टास्क कंप्लीट कर लिया। सबसे पहले हमने अपनी ड्राइंग को एनोटेशन स्केल के जरिए फिट कर लिया व्यूपोर्ट में, ठीक है, व्यूपोर्ट में फिट कर लिया। तो ये पहला टास्क कंप्लीट हो गया। अब दूसरा टास्क ये है कि हमारे पास जो अननोटेटिव ऑब्जेक्ट 3 प्रकार के होते हैं, 3 ऑब्जेक्ट। अब इन 3 ऑब्जेक्ट को हम भी उनका इसी में फिट करना है, और उनका साइज ना चेंज हो, साइज मस्ट बी
सेम, ठीक है, तो उनका साइज सेम रहे और ये ड्राइंग का साइज बदले, तो ये हमारी ड्राइंग है, इसका साइज चेंज हो रहा है, कोई बात नहीं, ये स्केल हो रही है, अच्छी बात है, लेकिन इनके अंदर जो इस टेक्स्ट है और हैच है और डायमेंशन है, उनका साइज सेम रहे, तो देखिए वो हम कैसे करते हैं, चलिए चेक करते हैं। अगर आपके पास ऑब्जेक्ट बड़ा रहेगा तो उसको छोटा करना पड़ेगा, जैसे कि हमने दूसरे फाइल में देखा था कि यहाँ पे जो टीवी हमने बनाई थी उसको यहाँ पे 1:1 करने पे ही ये सेट हो गई थी, क्योंकि इसका साइज छोटा था, तो 1:1 करने पे पेपर के अंदर सेट हो गई थी, यानी इसकी जो एक्चुअल डायमेंशन है वो पेपर के एक्चुअल डायमेंशन से छोटी है, इसीलिए यहाँ पे सेट हो गई। अब आते हैं, हमने एक लेआउट 2 बना के रखा है, इस लेआउट पे हमने 3 व्यू पोर्ट बना के रखे हैं, पहला व्यू पोर्ट, दूसरा व्यू पोर्ट, तीसरा व्यू पोर्ट। चलिए पहले व्यू पोर्ट पे आते हैं, थोड़ी देर के लिए इनको हम सब डिलीट कर देते हैं। पहले व्यू पोर्ट में आने के बाद इसका साइज सेट करते हैं 1:1, जैसे हमने इसका रेशियो 1:1 फिट किया, देखिए सब कुछ दिख रहा है, हर एक ऑब्जेक्ट शो हो रहा है। फिर दूसरे व्यू पोर्ट में आते हैं, यहाँ पे सेट करते हैं, हम थोड़ा सा जूम करना है, जो कंट्रोल्स हैं इनको जूम करके दिखाना है। अब देखिए जूम आउट करने के लिए 1/2 करते हैं और जूम करने के लिए 2/1 करेंगे, ठीक है, यानी जो पेपर है और ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हमने 2 times जूम कर दिया, ठीक है, पेपर की स्केल तो 1 ही रहेगी, और देखिए ये पेपर स्केल है और इधर ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को हमने दुगना कर दिया, ठीक है, 2:1, अगर किसी चीज़ को आधा करना है तो 1/2, हमारे पास एक कोई ऑब्जेक्ट है उसको आधा करने के लिए हम 1/2 करते हैं और उसको दुगना करने के लिए 2/1 करते हैं, समझ गए, 4/1 यानी 4 गुना ज़्यादा, 8/1 यानी 8 गुना ज़्यादा, इधर 1/4 यानी 4 1/4, 1/8, 1/10, तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी। चलिए यहाँ पे डबल क्लिक करने के बाद इसकी स्केल को सेट करते हैं 2:1 यानी 2 times जूम कर देते हैं, 2 times जूम हो गया। थर्ड वाले में आने के बाद अगर सपोज दैट ऐसा रहेगा आपके पास, यहाँ पे हमें 4 times जूम करना है, तो जैसे ही 4 times जूम करेंगे ये देखिए जूम हो जाएगा। फिर इसके बाद फिर आप अपने व्हील का यूज ना करके बस इसको सेट करेंगे, ऐसे सेट कर दिया। अब बाहर आते हैं, डबल क्लिक करके पेपर स्पेस में आते हैं, अपने पेपर को जूम करते हैं थोड़ा सा, ये देखिए ये हमारा पेपर है। इस पेपर में हमने इसलिए ऐसा किया है ताकि हमारी ड्राइंग हर जगह फिट हो जाए, तो हमने ड्राइंग फिट कर लिया, यहाँ पे 1:1, यहाँ 2 times गुना, 2 गुना और यहाँ 4 गुना हमने अपने ड्राइंग को जूम कर लिया। अब हमारा टास्क ये है कि हमारे पास जो अननोटेटिव ऑब्जेक्ट हैं, हमारे पास 3 प्रकार के अननोटेटिव ऑब्जेक्ट हैं, तीनों ऑब्जेक्ट की साइज को सेम रखना, ठीक है, सेम रखने का मतलब ये है कि जो यहाँ पे हैच दिख रही है आपको और जो यहाँ पे हैच दिख रही है, देखिए दोनों में अंतर हो रहा है कि नहीं, ये वाली हैच बड़ी नज़र आ रही है और ये वाली हैच और बड़ी नज़र आ रही है, लेकिन हमारा टास्क ये है कि जो अननोटेटिव ऑब्जेक्ट होते हैं, अननोटेटिव ऑब्जेक्ट, उनका साइज सेम रखना है, ठीक है, एक कॉन्स्टेंट रखना, लेकिन ये हो नहीं रहा, तो ऐसा करने के लिए हमें इन ऑब्जेक्ट को पहले अननोटेटिव बनाना पड़ेगा। अननोटेटिव बनाने के लिए चलिए मॉडल स्पेस में आते हैं थोड़ी देर के लिए, मॉडल स्पेस में आने के बाद आपको पता है प्रॉपर्टी चेंज कर दें तो ये अननोटेटिव हो जाएंगे, इन दोनों को सिलेक्ट किया ऐसे हमने और प्रॉपर्टी Ctrl+1 से प्रॉपर्टी पैनल खुलता है, यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं Ctrl+1 से इसको ओपन कर लेंगे और यहाँ से हम इसकी अननोटेटिव को यस कर देंगे, तो ये अननोटेटिव हो गए, ठीक है। जब ये अननोटेटिव हो गए तो देखिए इसका क्या इफेक्ट आ रहा है, लेआउट 2 में चलते हैं। जैसे ही अननोटेटिव हो गए तो अब देखिए अननोटेटिव जैसे ही हमने कर दिया ये गायब हो गया, अरे ऐसा क्या हो गया कि ये दिख नहीं रहे, तो एक ऑप्शन होता है कि अननोटेटिव व्यू पोर्ट में, ये जो व्यू पोर्ट है, व्यू पोर्ट में, तो व्यू पोर्ट की जो स्केल है और अननोटेटिव ऑब्जेक्ट है उसकी स्केल मैच करनी चाहिए, मैच करेगी तभी दिखेगी, अगर मैच नहीं करेगी तो दिखेगी नहीं। तो देखिए हमने इस ऑब्जेक्ट की स्केल हमने यहाँ पे रखा है 1:1, यहाँ पे रखा है 2 times 1 और यहाँ पे रखा है 4 times 1, तो चेक करते हैं क्या हमारे ऑब्जेक्ट की स्केल सेम है कि नहीं, चलिए देखते हैं, डबल क्लिक करिए यहाँ पे, डबल क्लिक करने के बाद आपको स्केल चेक करने के लिए अननोटेट में आना पड़ेगा, अननोटेट में लास्ट में आपको एक टैब मिलेगी यहाँ पे अननोटेशन,
ऐड स्केल, डिलीट स्केल और ये एक लिस्ट मिलेगी। तो देखिए यहाँ पे अगर हम ऐड कर दें, यानी सपोज दैट उन दोनों की स्केल मैच नहीं कर रही इसीलिए दिख नहीं रहे, तो हम ऐड स्केल में चलेंगे। ऐड स्केल में आने के बाद किन किन ऑब्जेक्ट की स्केल को ऐड करना है, इसकी स्केल को ऐड करना है और हमें नीचे वाले हैच की स्केल को ऐड करने के बाद इंटर कर दिया। जैसे इंटर कर दिया देखिए आपको फ़र्क नज़र आया होगा, अब दोनों जो हैचिंग है ये इनका साइज सेम है, जबकि ड्राइंग बड़ी जूम होके दिख रही है। ड्राइंग जूम है लेकिन हैचिंग सेम दिख रही है। सेम ये काम यही करना है, यहाँ एनोटेट में आके ऐड स्केल और इस वाले व्यू पोर्ट में आना है। अब देखिए सबसे पहले इस व्यू पोर्ट के अंदर डबल क्लिक करके व्यू पोर्ट में आ जाइए, उसके बाद ये ऐड स्केल करिए। जैसे हमने ऐड स्केल किया तो हमने इसको और ऊपर वाली को सिलेक्ट करके शिफ्ट के साथ दोनों सेलेक्ट करके इंटर कर दिया, तो दोनों की साइज सेम दिखने लगी। अब कमांड से बाहर चलते हैं, तो हमने हैच को ठीक कर लिया। अब दूसरा टास्क ये है कि ये जो टेक्स्ट है, अब देखिए यहाँ पे अगर डबल क्लिक करके इसको फिट करें तो देखिए यहाँ पे टेक्स्ट कितना बड़ा बड़ा नज़र आ रहा है। तो इस टेक्स्ट को सबसे पहले अननोटेटिव करना पड़ेगा और उसके बाद इनकी साइज को चेंज करना पड़ेगा। तो इस टेक्स्ट में ऐसे क्लिक करिए, यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी में मिलेगी, प्रॉपर्टी में अननोटेटिव यस कर दीजिए इसको। जैसे यस कर देंगे यहाँ पे अननोटेट में चलिए और ऐड स्केल में चलिए। ऐड स्केल में जाने के बाद इसकी स्केल को विंडो की स्केल से मैच करा दीजिए। तो जैसे ही मैच कराया यहाँ पे देखिए नहीं दिख रहा, तो इस वाली व्यू पोर्ट में आते हैं, यहाँ पर भी हम इसकी स्केल्स को ऐड कर देते हैं, इंटर कर दिया। ठीक है, अब देखिए इसमें अभी भी फ़र्क नज़र आ रहा है इन दोनों में, ये बहुत बड़े बड़े नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे एक और ऑप्शन होता है ऐड डिलीट स्केल, ऐड डिलीट स्केल में चलते हैं और इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके इंटर कर दिया। चेक करते हैं इसमें कौन कौन सी स्केल है, तो 1:1 स्केल है, 2:1 स्केल है, ये दोनों स्केल है। यहाँ पे 4:1 वाली स्केल भी होनी चाहिए, तो ऐड में जाके 4:1 वाली स्केल को भी ऐड कर लेते हैं, तो इस वाले विंडो में भी ये दिखेगा। और ओके कर दिया। तो एक्चुअली में देखिए टेक्स्ट का साइज बहुत बड़ा है, इसको साइज को थोड़ा सा छोटा करते हैं, इसमें डबल क्लिक करके एडिट में चलते हैं टेक्स्ट के, ठीक है, और यहाँ से इसके साइज को, टेक्स्ट का जो साइज है यहाँ से तो छोटा नहीं हो रहा, स्केप करते हैं, टेक्स्ट को सिलेक्ट करिए ऐसे, और यहाँ से इसकी हाइट को, टेक्स्ट हाइट होगी कहीं पे, देखिए मॉडल में आते हैं, वहाँ से अगर नहीं हो रहा तो आप मॉडल में आइए। एक्चुअली मेरे टेक्स्ट ही बहुत बड़ा बड़ा लिखा हुआ था, ठीक है, इस पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट कर दिया। सेलेक्ट करने के बाद इसकी हाइट क्यों नहीं चेंज हो रही, देखिए थोड़ी देर के लिए हम इसका अननोटेशन बंद कर दिए, बंद करने के बाद यहाँ इसकी हाइट चेंज कर लिए, 16 हाइट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो हमने इसकी 5 हाइट करके ओके कर दिया। 5 हाइट इनफ है अब हमारे लिए। अब ऐसा करने के बाद हम इसकी अननोटेशन को ऑन कर देते हैं। अब चलते हैं अपने लेआउट में, तो अब हमें इसको ठीक करते हैं, यहाँ पे इसका 1:1 कर दिया हमने, और इस वाले पे आने के बाद हमने इसका 2:1 कर दिया, तो 2:1 है, सही है सब कुछ, और यहाँ पे 4:1 हमने हैच को ठीक कर लिया। टेक्स्ट यहाँ पे दिख नहीं रही, तो टेक्स्ट मैं यहाँ पे अननोटेट ऐड कर लेते हैं, तो इसमें क्लिक करके ओके कर दिया, तो यहाँ पे अननोटेशन दिखने लगा। कंट्रोल्स यहाँ पे नज़र आ रहा है, कंट्रोल यहाँ भी नज़र आ रहा है। अब देखिए तो हमने दो ऑप्शन समझ लिए, यहाँ ऐड समझ लिया, ठीक है, अभी हमें डिलीट वाला समझना है, तो अभी डिलीट भी समझेंगे। अब देखिए जो हमारे पास ये जो टेक्स्ट नज़र आ रहा है ना, इस टेक्स्ट की भी हमें अननोटेशन ठीक करनी पड़ेगी। तो टेक्स्ट की, टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, इसको अननोटेटिव कर दिया, अननोटेटिव यस कर दिया। जैसे हमने टीटीएस किया, इसके बाद हमने इस व्यू पोर्ट में आए, व्यू पोर्ट में 1:1 लगाया, जैसे जूम करते हैं तो रेशियो बिगड़ जाता है, तो फिर से हमें रेशियो ठीक करना पड़ता है। तो ये टेक्स्ट दिख रहा है क्योंकि इस टेक्स्ट में हमने जैसे अननोटेशन लगाया तो ऑलरेडी 1:1 ले लिया था, लेकिन यहाँ पे अननोटेशन गायब हो गया। गायब इसलिए हो गया क्योंकि व्यू पोर्ट की स्केल और अननोटेशन ऑब्जेक्ट की स्केल मैच नहीं कर रही आपस में, तो इसमें आते हैं डबल क्लिक करके, ठीक है। अब यहाँ पे ऐड डिलीट स्केल से भी हम एक साथ ही सारे ऑब्जेक्ट की स्केल्स को ऐड कर सकते हैं, इसको सेलेक्ट किया, इंटर कर दिया, तो यहाँ पे अभी 1:1 की स्केल है। यहाँ पे ऐड में चल के
हमें दो व्यू पोर्ट की स्केल ऐड करनी है, 2 रेशियो और 4 रेशियो। तो सबसे पहले 2 वाली ऐड करते हैं, 2 ऐड कर दिया, फिर ऐड में जाके 4:1 ऐड कर दिया, 4 ऐड कर दिया, ओके और ओके कर दिया। तो देखिए हर जगह आपको डायमेंशन नज़र आने लगी। तो ये बात रही कि हम डायमेंशन नोटेशन में ऑब्जेक्ट में अगर स्केल ऐड कर देंगे तो ऑब्जेक्ट अपनी साइज कांस्टेंट बना लेंगे और ड्राइंग जूम हो जाएंगी। देखिए यहाँ पे ड्राइंग तो जूम हो रही है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जो टेक्स्ट है, हैच है और डायमेंशन है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे कांस्टेंट नज़र आ रही है। देखिए सब डायमेंशन का साइज सेम है, हर एक ऑब्जेक्ट का साइज हैच का और टेक्स्ट का सेम है, जबकि ड्राइंग बड़ी नज़र आ रही है। तो यही एक मोटिव था इन सारे ऑब्जेक्ट को अनोटेटिव करने का। और अनोटेटिव करने से हमें ये फ़ायदा होता है कि हम डिफरेंट टाइप के व्यूपोर्ट में जूम करके उसका प्रिंट निकाल सकते हैं। अब देखिए अनोटेशन में हमारे पास अभी ऑप्शन बचा है, जैसे ऐड स्केल तो हमने कर लिया, अब यहाँ पे रिमूव स्केल बचा है। तो रिमूव स्केल का मतलब समझ लेते हैं। देखिए हमने जूम इसलिए किया था अपने विंडोज़ को, यहाँ पे 3 व्यूपोर्ट बनाए हैं ताकि पहले व्यूपोर्ट में हमारा पूरा ऑब्जेक्ट नज़र आए, तो ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा है। दूसरे व्यूपोर्ट में जो कंट्रोल्स हैं, ये कंट्रोल्स पूरे नज़र आए, तो कंट्रोल्स नज़र आ रहे हैं। और थर्ड व्यूपोर्ट में, ये वाला थर्ड व्यूपोर्ट में, हम चाहते हैं कि ये कंट्रोल्स में केवल ये जो बटन है और ये जो व्हील है ये नज़र आए, तो ये नज़र आ रहा है। इसके साथ साथ हम चाहते हैं कि जो हमारा पहला व्यूपोर्ट है, इस व्यूपोर्ट से ये जो छोटी छोटी डायमेंशन लिखी हैं 7.1, 2.4 और ये ना दिखे, क्योंकि इस व्यूपोर्ट के हिसाब से ये डायमेंशन यहाँ पे हैच के साथ गड़बड़ी पैदा कर रही है, इतने स्पेस में फिट नहीं हो पा रही। तो इनको इस व्यूपोर्ट से हटाने के लिए एक काम कर सकते हैं कि इस डायमेंशन का जो अनोटेटिव स्केल है और इस व्यूपोर्ट का जो स्केल है उनको डिलीट कर दें, तो दोनों मैच नहीं करेंगे आपस में। तो उसके लिए दो काम कर सकते हैं, ऐड डिलीट स्केल्स में जाने के बाद, ऐड डिलीट स्केल में जाने के बाद, अरे यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं तब आएगा ऑप्शन ऐड डिलीट स्केल। और यहाँ पे जैसे ही हम इस अनोटेशन को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है हमें इनको ठीक करना है, तो जैसे ही इसको सिलेक्ट करते हैं और इसको सिलेक्ट कर लिया, इन दोनों को शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करके इंटर करते हैं, तो एक लिस्ट आ जाएगी। लिस्ट में बताएगा कि इस स्केल, इस ऑब्जेक्ट की कौन कौन सी स्केल है। तो इन दोनों ऑब्जेक्ट की हम 1:1 वाली स्केल हटाते हैं, डिलीट करते हैं, तो इस वाले व्यूपोर्ट में दिखना बंद हो जाएंगी। ठीक है अब इनको हम फिर से 1:1 कर दें, क्योंकि जूम करने से इनका रेशियो बिगड़ जाता है। अब देखिए यहाँ पे नहीं नज़र आ रही, लेकिन इन दोनों जगह नज़र आ रही हैं। तो देखिए ये फ़ायदा हो गया हमारा, ये काम हम इससे रिमूव स्केल से भी कर सकते हैं, डिलीट करेंट स्केल। तो यहाँ पे चलने के बाद हम अगर इन दोनों ऑब्जेक्ट को ऐसे सिलेक्ट कर लें, तो इन दोनों सेलेक्ट की, इन दोनों ऑब्जेक्ट की इस करंट स्केल, करंट व्यूपोर्ट से स्केल डिलीट हो जाएंगी। ठीक है इस व्यूपोर्ट से इन दोनों की स्केल डिलीट हो गई। अब यहाँ से इनका रेशियो ठीक कर लेते हैं। अब एक देखें एकदम परफेक्ट यहाँ पे दिख रहा है, यानी छोटी जगह पे उन डायमेंशंस को दिखाने की हमें कोई ज़रूरत नहीं थी, इसलिए नहीं दिख रही, क्योंकि हम इसी ड्राइंग को यहाँ पे जूम किया है, जूम इसीलिए किया है ताकि यहाँ पे उनका साइज अच्छे से नज़र आ सके। और यहाँ पे देखिए इस वाली विंडो पे भी हम चाहते हैं कि ये डायमेंशन ना दिखे, तो इनको रोकने के लिए आप इस पहले इस स्केल में आइए, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे डिलीट करंट स्केल, इस डिलीट करंट स्केल में जाने के बाद इसको, इन सबको सेलेक्ट करके डिलीट कर दीजिए, इंटर कर दिया, तो देखिए यहाँ से दिखना भी बंद हो गई। ठीक है और केवल वहीं पे दिख रही हैं वो जहाँ पे हमें ज़रूरत है, जबकि ओरिजिनल ड्राइंग में सब कुछ है, ओरिजिनल ड्राइंग में यहाँ पे हर एक ऑब्जेक्ट आपको नज़र आएगा। ठीक है अब देखिए इन दोनों ऑप्शंस की बात कर लेते हैं, ये जो हमारे पास ये दोनों ऑप्शन हैं इनकी भी बात अभी हमने नहीं की। तो जो हमारे पास लेआउट 2 था, तो इस लेआउट में हमने इनको जिस लेआउट में जो स्केल दिखानी थी उसको मैच करा दिया, तो वहाँ पे वो दिखने लगी, और जिस स्केल को हमने डिलीट कर दिया वो व्यूपोर्ट से नहीं दिख रही। अब हमारे पास बचे ये दोनों ऑप्शन, इनका मतलब समझते हैं। जैसे हमने इस व्यूपोर्ट को सिलेक्ट किया, तो इस व्यूपोर्ट को सिलेक्ट करने के बाद अगर हमने यहाँ से इसकी स्केल चेंज कर दी, सपोज दैट हमने 4 times कर दिया, 1/2.5 times कर दिया, तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं नज़र आ रहा। वो इसलिए नहीं नज़र आ रहा क्योंकि व्यूपोर्ट की स्केल से और अनोटेटिव ऑब्जेक्ट की स्केल से मैच नहीं कर रही, लेकिन हमारे पास एक ऑप्शन होता है, ये पहला वाला ऑप्शन,
ये ऑप्शन ऑन रहेगा तो इस ऑप्शन का मतलब ये है कि किसी भी अननोटेशन किसी भी व्यू पोर्ट में मैच करे या ना करे आपको ऑब्जेक्ट नज़र आएंगे, लेकिन उस कंडीशन में बहुत ही बेकार नज़र आएगा, यानी आपको मतलब नहीं है, हर एक ऑब्जेक्ट नज़र आएंगे। टॉगल करने के लिए है कि किसी भी कंडीशन में आपको ये सारे ऑब्जेक्ट दिखाई देंगे, तो इसको ऑफ कर दीजिए। नेक्स्ट ऑप्शन होता है कि जैसे ही हम व्यू पोर्ट की स्केल को चेंज करते हैं तो जो अननोटेटिव ऑब्जेक्ट है वो अननोटेटिव ऑब्जेक्ट भी ऑटोमेटिक उस व्यू पोर्ट की स्केल को अपने प्रॉपर्टी में ऐड कर लेते हैं, जिससे कि वो दिखने लगते हैं। सपोज दैट यहाँ पे हमने 4:1 किया था, जैसे ही 4:1 किया तो देखिए नज़र आने लगे। अब देखिए अगर हमने यहाँ पे 8:1 कर दिया और जूम कर दिया तो देखिए 8:1 करने के बाद ये नहीं दिख रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा कंट्रोल जेड करके पीछे चलते हैं। अगर आपने ये वाला ऑप्शन ऑन किया होता ऑटोमेटिक ऐड अननोटेशन स्केल टू अननोटेटिव ऑब्जेक्ट, ठीक है, यानी अब हमने 8 times किया तो जैसे ही 8 times किया ये देखिए सब कुछ नज़र आ रहा है, और वो भी सेम साइज में। क्यों? क्योंकि जैसे ही ये वाला ऑप्शन ऑन था तो जैसे ही हमने व्यू पोर्ट की स्केल 8 times किया तो इन ऑब्जेक्ट ने भी अपनी प्रॉपर्टी में 8 scale को ऐड कर लिया। यहाँ से आप जाके इस प्रॉपर्टी ऐड डिलीट स्केल से चेक कर सकते हैं कि इसमें कौन कौन सी स्केल ऐड हो गई है। इसको सेलेक्ट करिए ऑब्जेक्ट को, इंटर कर दीजिए तो आपको मालूम चलेगा कि 8:1 भी ऐड हो चुकी है, जबकि 1:1 और 2:1 ऐड नहीं है तो यहाँ पे नहीं दिख रहे। तो ये मतलब है इन दोनों ऑप्शंस का। लास्ट में ऑप्शन आता है एक लॉक का। अगर सपोज दैट आपको लग रहा है कि हमने जो एक व्यू पोर्ट बनाया है ये एकदम परफेक्ट है और इसमें कोई एडिट ना हो कोई गड़बड़ी ना हो तो इसको लॉक कर दीजिए। जैसे ही लॉक कर देंगे तो ना आप उसको जूम कर पाएंगे और ना ही उसमें कुछ पैन कर पाएंगे, एकदम लॉक्ड हो जाएगा वो व्यू पोर्ट। तो जब आप किसी भी काम को कंप्लीट कर लें तो उसको आप लॉक कर दीजिए। देखिए यहाँ 8:1 सही नहीं था, हमें 4:1 में ही चलते हैं, और ऐसा करने के बाद हमने इसको लॉक कर दिया और इसको भी हमने ऐसा करने के बाद लॉक कर दिया। देखिए किसी को भी हम एडिट नहीं कर पाएंगे और एक हमारा फाइनल प्रिंट बहुत ही अच्छा मिल जाएगा। प्रिंट लेने के लिए यहाँ पे राइट क्लिक करके प्लॉट में क्लिक करते हैं। अगर देखिए इसके बाद हम एक दो वीडियो और डालेंगे जिसमें हम लेआउट समझाएंगे, व्यू पोर्ट बनाना समझाएंगे और प्रिंट कैसे लेते हैं सारी बातें आपको सिखाएंगे। तो आप अननोटेशन स्केल देखने के बाद वो वीडियो ज़रूर देखें जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आइए। देखिए कितना अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे इन दोनों जगह पे डायमेंशन नहीं दिख रही, यहाँ पे डायमेंशन नहीं दिख रही क्योंकि यहाँ पे जगह कम थी, जब हमने जूम किया अपने ऑब्जेक्ट को तो डायमेंशन दिखने लगी तो, और सारी डायमेंशन एक समान दिख रही है, सारा हैच एक समान दिख रहा है और सारे टेक्स्ट एक जैसे नज़र आ रहे हैं। तो ये तरीका होता है एकदम सही से प्रिंट लेने का। अगर आपने अननोटेशन स्केल और व्यू पोर्ट के बारे में नॉलेज नहीं रखते तो आप कभी भी अच्छा प्रिंट नहीं ले पाएंगे, और जब अच्छा प्रिंट नहीं ले पाएंगे तो जाहिर सी बात है किसी भी इंटरव्यू देने जाएंगे ऑटोकैड से रिलेटेड तो वहाँ पर आपको फेल कर दिया जाएगा और आप जॉब नहीं पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सिखाएंगे प्रिंट अच्छे से कैसे लेते हैं और A4 साइज पेपर कैसे सेट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और आई होप यू इन्जॉय दिस, इवन दिस वीडियो लिटल लॉन्ग, थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेकिन अगर आप धैर्य से देखेंगे तो ये आधे घंटे का वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल दिया होगा, ठीक है, और आपको अब मज़ा आएगा, अननोटेशन स्केल से डर नहीं लगेगा। और अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिएगा, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।